अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने अपने फर्स्ट बेबी का वेलकम जनवरी 11th को किया। अनुष्का ने बेबी गर्ल को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में डिलीवर किया। मंडे को दोपहर को विराट कोहली ने ये बात सोशल मीडिया पर अनाउंस की और उन्होंने बताया कि उनकी डॉटर हुई है और उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट की कि उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट की जाए। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रिटी कपल है और ये बिल्कुल भी सरप्राइजिंग बात नहीं है कि हर कोई उनके बेबी की एक झलक देखने के लिए तैयार बैठा है। कपल ने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट अगस्त 2020 में की थी और इसी के साथ वो ट्वीट 2020 का मोस्ट लाइक्ड ट्वीट बन गया था। इस कपल की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, देयरफोर अपनी प्राइवेसी को बचाने के लिए कपल ने काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। इवन हॉस्पिटल में भी हर कोई उनको विजिट नहीं कर सकता है। कपल ने अपने क्लोज रिलेटिव्स को भी अलाउ नहीं किया है। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो किसी भी तरह के फ्लावर्स या फिर गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हॉस्पिटल की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि आसपास रूम वाले भी अनुष्का शर्मा के रूम में नहीं देख सकते हैं। वहीं इस बात को लेकर भी हॉस्पिटल काफ़ी स्ट्रिक्ट है कि अनुष्का के रूम में कौन जाता है और कौन नहीं जाता है। उन्होंने अपने स्टाफ को भी काफ़ी अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दी है कि कोई भी उनकी बेबी गर्ल की पिक्चर क्लिक नहीं कर सकता है। अब ये लगता नहीं है कि उन्होंने ये जो बेबी पिक्चर है वो एक्सक्लूसिव राइट्स के लिए बचा रखे हैं या एक्चुअल में उन्हें प्राइवेसी चाहिए, लेकिन पूरा का पूरा इंतज़ाम काफ़ी स्ट्रिक्ट है। वहीं पेपराजी हॉस्पिटल के बाहर ही बैठी हुई है और उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है कि जैसे ही अनुष्का शर्मा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा वो बेबी गर्ल की एक पिक्चर क्लिक करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हुए हैं। वहीं हॉस्पिटल कोई भी बैकडोर एग्जिट नहीं दे रहा है, अनुष्का और विराट को आगे वाले मेन डोर से ही निकलना होगा। अब देखना यह होगा कि पेपराजी इस बेबी गर्ल की पिक्चर कैप्चर कर पाती है या नहीं।